नमस्कार, इजी आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम इरिमिदादी तेल के बारे में जानेंगे, जिसे ऑयल पुलिंग या गरारे करने की प्रसिद्ध प्रक्रिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह दांतों और इंद्रियों की ताकत में सुधार करता है। इसे इरिमिदादी ऑयल, इरिमिदादी तेल और अरिमिदादी तेल भी कहा जाता है। अब अरिमिदादी तेल के उपयोगों के बारे में जानेंगे। इसका उपयोग दांतों को मजबूत करने के लिए ऑयल पुलिंग के लिए किया जाता है। यह दांतों के सड़न को दूर करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, सांसों की दुर्गंध से राहत देता है, पेरिकोरोनाइटिस में उपयोगी है, बच्चों और वयस्कों में मसूड़े के फोड़े के इलाज के लिए उपयोगी है। यह दांतों के पुनर्निर्माण में मदद करता है। डॉक्टर इसका इस्तेमाल बर्निंग माउथ सिंड्रोम यानी मुंह में जलन के इलाज के लिए भी करते हैं। इस तेल का उल्लेख अष्टांग हृदय ग्रंथ में मिलता है। इरिमिदादी तेल की व्याख्या में आचार्य वाग्भट बताते हैं, सर्वस्य रोगो दत्तये तदाहो दंत स्थिरवे त्विदमेव मुख्यम। इसका मतलब है तेल लगभग सभी मौखिक विकारों को ठीक करने में सक्षम है और दांतों में स्थिरता लाता है। आचार्य वाग्भट आगे बताते हैं, अनुशीलयन प्रतिदिनम स्वस्य तोपि दृढ़द्विजो भवति, यानी इस तेल का रोजाना इस्तेमाल करने से दांत मजबूत होते हैं। इस तेल का उपयोग स्वस्थ लोग भी कर सकते हैं। तो इरिमिदादी तेल एक सार्वभौमिक हर्बल तेल है जो ऑयल पुलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तेल का इस्तेमाल कैसे करें? इसका उपयोग दो मुख्य आयुर्वेदिक उपचारों के लिए किया जाता है, जिन्हें गंडूष और कवल कहा जाता है। गंडूष चिकित्सा में इस तेल को मुंह में भरकर तब तक रखा जाता है जब तक कि व्यक्ति की आंखों और नाक से स्राव होने लगे। इसमें आमतौर पर 10 से 20 मिनट लगते हैं। फिर उसे थूक कर मुंह को गर्म पानी से धोया जाता है। कवल में 5 से 10 मिलीलीटर इरिमिदादी तेल मुंह में लेकर 10 से 20 मिनट के लिए आंखों और नाक से स्राव आने तक घुमाया जाता है। फिर उसे थूक कर मुंह को गर्म पानी से धोया जाता है। यदि आवश्यक हो तो गंडूष या कवल उपचार करने से पहले तेल को थोड़ा गर्म किया जा सकता है। थोड़ा सा तेल गर्म करके गरारे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और दांतों पर लगाया जाता है। यह सिर पर लगाने के लिए भी अच्छा है। इस तेल से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए कम से कम 5 मिनट के लिए गरारे करने की सलाह दी जाती है। साइनसाइटिस से पीड़ित लोगों को इस तेल से डॉक्टर की सलाह लेकर ही गरारे करना चाहिए। अब हम इस तेल की सामग्री के बारे में जानेंगे। इसमें शामिल है नद्यपान, त्रिजाता यानी दालचीनी, इलायची और तेजपत्ता का संयोजन, मंजीत, गंधबबूल, नागरमोता, चंदन, लाल चंदन, कपूर, केसर, लाल गेरू, पिप्पली, लाख, हल्दी, कमल, तिल का तेल आदि। इरिमिदादी तेल का निर्माण डाबर, बैद्यनाथ, एसडीएम, कोट्टकल आयुर्वेदशाला आदि आयुर्वेदिक फार्मा कंपनियों द्वारा किया जाता है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया easyayurveda.com पर भेंट करें।